Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Tech English. Today I will discuss Chapter 2, The Adventures of Toto, with all of you. This is second chapter from your book Movements. So I will discuss about the author, about the title, characters, theme and storyline with all of you. So let's start. First of all, I will tell you about the author of the story. So, Ruskin Bond, who is born on 19 May 1934, is an Indian author of British descent. It means that Ruskin Bond has written the story. So, he is actually an Indian author. He lives in India, but he is from British descent. And he lives in Mussoorie. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. Means, he is really a famous writer for writing children's literature. He was awarded the Sahitya Academy Award in 1992. So, इन्हें Sahitya Academy Award जो कि literature के field में काफी बड़ा award है, इन्हें 1992 में मिला था for Our Trees Still Grow in Dehra. तो ये इनका एक novel है English में, इसके लिए इन्हें 1992 में Sahitya Academy Award मिला था. He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. So, इन्हें Padma Shri मिला था 1999 में और Padma Bhushan मिला था 2014 में. यहाँ उनकी quotation दी हुई है और उनकी image लगी हुई है. Happiness is a mysterious thing to be found somewhere between too little and too much. He published this story in the collection. I have put an image of that collection, Monkey's Trouble and Other Grandfather Stories. ये इनका collection है, जिसमें Toto वाली जो story है, Adventures of Toto, वो included है. तो अब हम जानेंगे story के theme के बारे में, कि इसकी क्या theme है. This is an interesting story of a mischievous pet monkey. तो एक pet monkey है, जिसका नाम है actually Toto, उसी की चारों तरफ story revolve करती है. The narrator's grandfather has an affection for the animals, so he brought home a pet monkey named Toto. तो narrator के जो grandfather हैं, उनको animals से बहुत ज़्यादा लगाव था. तो वो Toto नाम के एक pet monkey को घर ले आते हैं. The story revolves around Toto's constant nuisance and how he gets into trouble due to his adventures. Story में हम ये देखेंगे कि Toto कितना ज़्यादा nuisance क्रिएट करता है, mess क्रिएट करता है और वो अपने आप को भी कैसे प्रॉब्लम में डाल देता है. Finally, he is sent back to the same place from where he came. Finally, उसे जहाँ से लाया जाता है, वहीं उसे भेज दिया जाता है. इस पॉइंट से हमें क्या देखते हैं? It shows that not all the animals can adapt themselves to the human way of life. इससे हमें ये पता चलता है कि सभी एनिमल्स अपने आप को ह्यूमन लाइफ में नहीं ढाल पाते हैं, नहीं अडाप्ट कर पाते हैं. अब हम देखेंगे कैरेक्टर्स के बारे में. पहला और सबसे मेन कैरेक्टर है Toto. सेकेंड कैरेक्टर है नैरेटर. नैरेटर रस्किन बॉन्ड ही हैं, उनके चाइल्डहुड की ये बात बता रहे हैं. थर्ड कैरेक्टर है नैरेटर के ग्रैंडफादर और फोर्थ कैरेक्टर है नैरेटर की ग्रैंडमदर. तो ये सभी मेन कैरेक्टर्स हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, वो हम जब स्टोरी पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा. सो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. ग्रैंडफादर कहीं जा रहे थे और वो एक टोंगा ड्राइवर को देखते हैं. टोंगा ड्राइवर के पास एक मंकी था, जो कि उसने एक फीडिंग ट्रो से बांधा हुआ था. फीडिंग ट्रो क्या होता है? एनिमल्स के खाने पीने के लिए एक वेसल टाइप का होता है, उसे बोलते हैं फीडिंग ट्रो. तो मंकी उस पर बंधा हुआ था और बहुत ज़्यादा सैड लग रहा था. मंकी को क्यों बांधा गया था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉटी था, इसलिए टोंगा ड्राइवर ने उसको बांधा था. जब ग्रैंडफादर ने मंकी को देखा तो उनको सिंपथी हो गई और उन्होंने डिसाइड किया कि इस मंकी को हम अपने प्राइवेट जू में इंक्लूडेड करेंगे. तो इन्होंने ये डिसीज़न लिया कि प्राइवेट जू में इंक्लूड करेंगे इसे, तो इसे अपने साथ ले आए. अब जो Toto है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था मंकी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट था. उसकी आईज़ बहुत ब्राइट थी और अपनी हंसी से वो अक्सर एंग्लो इंडियन लेडीज़ को डरा देता था. उसके हैंड एकदम पिकल जैसे सूखे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा ड्राई थे. और इसकी जो टेल है,
वो एज ए थर्ड हैंड वर्क करती थी, टेल इसकी जो थी इसकी ब्यूटी को और ज़्यादा इंक्रीज करती थी। ऐसा ग्रैंडफादर का मानना था कि एनिमल्स की जो टेल है वो उसकी ब्यूटी बढ़ाती है। और ये अपनी टेल से बहुत सारे चीज़ें जो इसकी हाथ के बाहर रहती थी, इसकी पकड़ के बाहर रहती थी, उनको पकड़ने के लिए ये यूज़ करता था। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसी से समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा मिस्ट्रीवियस मंकी था। जब दादाजी टोटो को घर लाते हैं तो ग्रैंड मदर को नहीं बताया जाता है, क्योंकि जब भी ग्रैंडपा किसी एनिमल या किसी बर्ड को घर लाते हैं तो ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं। तो ये डिसाइड किया कि टोटो को एक क्लोज़ेट में रखा जाएगा। क्लोज़ेट एक अलमीरा होती है छोटी सी, तो जो कि नैरेटर के रूम के तरफ ओपन होती थी, तो वहाँ पे उसको रखने का डिसीज़न लिया गया। उसको वहाँ रखा गया और एक पेग से टाई कर दिया गया, बहुत अच्छे से क्लोज़ेट में रख के उसको पेग से फंसा दिया गया ताकि वो बाहर ना निकले। अब इन सबको ऐसा लग रहा था, ग्रैंडपा और नैरेटर को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने टोटो को बहुत अच्छे से टाई किया है, बहुत अच्छे से बंद किया है। लेकिन जब वो 1 आवर बाद टोटो को रिलीज़ करने आते हैं, निकालने आते हैं क्लोज़ेट से, तो क्या देखते हैं कि जो वॉल है उसका वॉलपेपर निकला हुआ था और वॉल से उसकी ब्रिक और उसका प्लास्टर नज़र आ रहा था। इन्होंने ये भी देखा कि जो पैग है वो भी अपने सॉकेट से निकली हुई है। नैरेटर का जो ब्लेज़र था वो फटा हुआ था, उसके पीसेस हो गए थे बहुत सारे, और नैरेटर एकदम शॉक्ड हो गया। वो ये सोचने लगा कि अब ग्रैंडमा क्या कहेंगी। लेकिन ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश थे टोटो के परफॉर्मेंस से। वो ये कहते हैं कि अगर टोटो को और समय दिया जाता तो वो ज़रूर तुम्हारे ब्लेज़र के जो पीसेस हैं उनको एक रोप में बना के, उनकी रस्सी बना के वो विंडो से एस्केप कर जाता। अब टोटो क्योंकि बहुत बदमाश था तो उसे सर्वेंट क्वार्टर में एक केज में रख के भेजा गया। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे और भी एनिमल्स थे, जैसे कि टॉर्टोइस, एक रैबिट थे, स्क्वायरल थी, गोर थी, जो कि पहले बहुत ही फ्रेंडली रहते थे। लेकिन जब टोटो गया तो पूरी रात वो इतना ज़्यादा नॉइस कर रहा था कि उसकी वजह से कोई भी एनिमल नहीं सो पाया। इसको देख के दादाजी को नेक्स्ट डे सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि टोटो को भी वो अपने साथ ले जाएंगे। क्योंकि ग्रैंडमा अगर देख लेती टोटो को तो बहुत ही ज़्यादा वो गुस्सा करती। लेकिन हुआ क्या कि ग्रैंडपा ने टोटो को एक बड़े से ब्लैक कैनवास बैग में रखा और उस बैग के नीचे स्ट्रॉ रख दी ताकि टोटो निकल ना पाए। पूरे रास्ते टोटो ये ट्राई करता रहा, एफर्ट करता रहा कि वो बाहर निकले, तो कभी बैग ज़मीन पे रोल होने लगता, कभी बैग एयर की तरफ जाने लगता, जब दादाजी ने हैंग किया था तो एयर की तरफ चला जा रहा था। सब पैसेंजर्स देखने लगते हैं और सबको बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है कि ऐसा क्या है। फाइनली जब दादाजी सहारनपुर पहुँचते हैं रेलवे टर्नस्टाइल के पास, तो वहाँ पे टिकट वो ले रहे थे, तो टोटो अपना सर बाहर निकाल लेता है और टिकट कलेक्टर को देख के स्माइल देता है बड़ी सी। टिकट कलेक्टर एकदम शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अपने आप को वो नॉर्मल करते हुए दादाजी से बोलता है कि यू हैव अ डॉग सो यू हैव टू गिव द फेयर फॉर दैट। उन्होंने बोला कि आपके पास एक डॉग है और आपको उसके लिए फेयर देना पड़ेगा। दादाजी ने बहुत कोशिश करी समझाने की, उन्होंने टोटो को बाहर भी निकाला, ये समझाया कि ये डॉग नहीं है, लेकिन टिकट कलेक्टर ये बात नहीं माना। फाइनली दादाजी को 3 रुपीज़ देने पड़े। अब दादाजी को गुस्सा आ गया और उनके पास एक टॉर्टोइस था, उन्होंने निकाला और उन्होंने बोला कि अब इस टॉर्टोइस का तुम क्या फेयर लोगे। तो टिकट कलेक्टर उसको चेक करता है अपने हैंड से, पैट करता है, फिंगर्स से देखता है, और जब वो ये श्योर हो जाता है कि ये एक डॉग नहीं है तो बोलता है नो चार्ज, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अब ऑब्वियस ये बात है कि दादाजी को तो गुस्सा आ ही रहा होगा क्योंकि टोटो भी तो डॉग नहीं था, लेकिन टोटो का जो साइज़ था वो एक डॉग से कम नहीं था, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था। और उस टाइम अगर कोई भी पैसेंजर डॉग लेके जा रहा है तो
उसका चार्ज उसे देना पड़ता, उसका फेयर उसे देना पड़ता। फाइनली जब दादी जी का मूड सही हो गया, ग्रैंड माँ का मूड सही हो गया, तो उन्होंने टोटो को एक्सेप्ट किया और टोटो को अपने स्टेबल में प्लेस दे दिया। स्टेबल मतलब हॉर्सेस के रहने का प्लेस होता है। वहाँ पे एक डोंकी था जिसका नाम था नाना, फीमेल डोंकी था जिसका नाम था नाना, लेकिन टोटो वहाँ भी उसको नहीं रहने दिया, उसके पूरे टाइम परेशान करता रहा। और जब दादाजी ये चेक करने गए कि टोटो सही से है या नहीं है, वो कंफर्टेबल है या नहीं, उन्होंने देखा कि नाना बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा है। उन्होंने ये देखा कि नाना जो है वो अपने हॉल्टर को बार बार पुल कर रही थी, हॉल्टर मतलब यहाँ गले के चारों तरफ एक रहता है रस्सी जैसे, उसको पुल कर रही थी और अपने ग्रास की तरफ से जो उसके पास ग्रास रखी थी उससे भी फेस हटा रही थी। तो हुआ क्या था, एक्चुअली टोटो इसके ईयर्स को बाइट कर रहा था परेशान करने के लिए, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गई थी। दादाजी उसके हॉन्चेस पे, इसे हॉन्चेस बोलते हैं, हॉन्चेस पे स्लैप किए, थपथपाया उन्होंने ताकि वो उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील करा सके, लेकिन तब भी नाना और टोटो कभी भी फ्रेंड्स नहीं बने। अब विंटर की बात बताते हैं नरेटर कि टोटो को विंटर में ग्रैंडमा एक बड़े से बाउल में वार्म वाटर देती थी, गर्म पानी देती थी बाथ के लिए। तो टोटो वाटर को पहले चेक करता था, अपनी फिंगर से पहले इसका टेम्परेचर चेक करता था कि पानी सही है या नहीं, फिर उसके बाद अपना एक लेग डालता पानी में और दूसरा लेग डालता पानी में, जैसे कि नैरेटर करता था। शायद टोटो ने नैरेटर को ऐसा करते देखा था, और जब वो कंफर्टेबल हो जाता तो अपनी नेक तक वो डाउन हो जाता था वाटर में, और उसके बाद जब थोड़ा सा वो और कंफर्टेबल होता था तो सोप को रब करता था, बात करने लगता था। लेकिन जैसे ही पानी थोड़ा सा भी ठंडा हो तो तुरंत वो किचन फायरप्लेस की तरफ भागता था, क्योंकि विंटर का टाइम था। तो अगर उसकी इस हरकत को देख के कोई हंसने लगता था तो उसको बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता था, और वो फिर बात करने बाहर नहीं निकलता था। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि किचन में कैटल रखी हुई थी चाय के लिए, टी के लिए, वाटर बॉईल हो रहा था तो कैटल रखी हुई थी। टोटो गया किचन में और उसने देखा, अपने पिछले सीन में देखा कि उसको कितना ज़्यादा बात का शौक है। तो वाटर बॉईल हो रहा था और उसने जब देखा कि वाटर वार्म है तो वो तुरंत कैटल के अंदर चला गया नेक तक, और फिर जब तक पानी हल्का गर्म था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही वाटर बॉईल होने लगा वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। जब वो बाहर निकलता तो ठंडा लगता, और जब वो अंदर जाता तब उसे गर्म लगता। अब दादी जी आईं और जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने तुरंत टोटो को बाहर निकाला, लेकिन तब तक वो बॉइल हो चुका था हाफ, और अगर दादी जी टाइम पे नहीं आती तो शायद टोटो डेड हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि टोटो कितना ज़्यादा शरारती है। एक और इसके साथ एक और भी चीज़ थी, वो इतना शरारती था कि अगर नैरेटर के यहाँ कोई आंट आती थी तो ये कोशिश करता था, उनको फॉलो करता था और उनको तब तक चेस करता था जब तक कि वो उनकी ड्रेस ना टियर कर दे। मतलब अगर कोई भी आंट नैरेटर के आती थी तो टोटो उनकी ड्रेस को टियर करने की कोशिश करता था, उनकी ड्रेस को ड्रेस में होल बनाने की कोशिश करता था। एक बार लंच का टाइम था और पुलाव रखे हुए थे डिश में, तो नैरेटर और उसकी फैमिली लंच करने जाती हैं तो देखती हैं कि टोटो पुलाव खा रहा है। ये देख के दादी जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाने लगती हैं, उनके चीख निकल जाती है उनके मुंह से। तो टोटो उनके ऊपर एक प्लेट थ्रो कर देता है, उनकी आवाज़ सुन के वो भी रिएक्ट करता है, उनके ऊपर प्लेट थ्रो कर देता है। तभी एक आंट उसको पकड़ने की कोशिश करती हैं तो वो उनके ऊपर एक ग्लास पानी रखा था वो फेंक देता है। तभी दादाजी आ जाते हैं, जब देखता है टोटो दादाजी को तो पुलाव को लेता है और विंडो से बाहर भाग जाता है, और सामने एक जैकफ्रूट ट्री था उसकी ब्रांचेस में बैठ जाता है।
अब ये देखिए पुलाव नहीं छोड़ा, तो पुलाव लेके गया और पूरी आफ्टरनून वो वहाँ पे था। और पूरा जब उसने ख़त्म कर लिया तो दादी जी को गुस्सा दिलाने के लिए, ग्रैंडमा को गुस्सा दिलाने के लिए वो प्लेट ज़मीन पे थ्रो कर देता है। और जैसे ही वो देखता है कि प्लेट बहुत सारे पीसेस में हो गई है तो बहुत खुश हो जाता है। तो ये सब उसकी एक्टिविटीज़ देख के फाइनली दादाजी ये डिसाइड कर लेते हैं, इनको ये समझ आ जाता है कि वो टोटो की कॉन्टीन्यूअस जो भी मेस क्रिएट हो रहे हैं, टोटो जो कॉन्टीन्यूअस लॉस कर रहा है क्रॉकरी का, कर्टेंस का, क्लोथ्स का, वो उसको नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। और वो ये डिसाइड करके टोटो को दोबारा से टोंगा ड्राइवर के पास ले जाते हैं और उसे 3 रुपीज़ में सेल कर देते हैं। तो मतलब उन्होंने ख़रीदा था उसे 5 रुपीज़ में, लेकिन इतना ज़्यादा तंग हो जाते हैं कि उसे फाइनली 3 रुपीज़ में सेल कर देते हैं। तो ये थी टोटो की स्टोरी। आई होप आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा इस स्टोरी को। तो अब हम देखते हैं राइटर का क्या मैसेज है। स्टोरी में राइटर एक्चुअली ये मैसेज देना चाहते हैं कि बेबी एनिमल्स लुक क्यूट एंड वी आर टेम्प्टेड टू पुट देम एज पेट्स, कि बेबी एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं और हम टेम्प्ट हो जाते हैं उन्हें एज अ पेट रखने के लिए। हाउ एवर वी शुड नॉट गेट कैरीड अवे बाई देयर प्रिटीनेस, लेकिन हमें उनकी प्रिटीनेस से टेम्प्ट नहीं होना चाहिए। बिकॉज ईच एनिमल हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि हर एनिमल की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। सम एनिमल्स लाइक मंकीज आर वेरी मिस्चीवियस, कुछ एनिमल्स जैसे कि मंकी बहुत ही ज़्यादा शरारती होते हैं, एंड दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज इफ़ वन इज़ नॉट केयरफुल विद देम, और वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर सकते, बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकते अगर कोई उन्हें ध्यान ना दे। सो वन शुड नॉट कीप एनिमल्स एज पेट्स अनटिल वन हैज़ एडुकेट इन्फॉर्मेशन एंड स्किल टू ट्रेन एंड हैंडल देम। तो किसी भी पर्सन को एनिमल्स को तब तक एज अ पेट नहीं रखना चाहिए जब तक उन्हें उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो और उनके पास ये स्किल ना हो कि इन्हें कैसे, इन एनिमल्स को कैसे ट्रेन किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए। हाउ एवर एनिमल्स थ्राइव बेटर टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट, लेकिन फिर भी फाइनली ये कह सकते हैं हम कि एनिमल्स जो हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में, मतलब जो उनका नेचुरल प्लेस है, जो उनका नेचुरल सराउंडिंग है, वहीं वो बेहतर तरीके से रह सकते हैं। तो इसी मैसेज के साथ मेरा ये लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए। थैंक यू ऑल।